बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, एमए राहत के पिछले दिलचस्प, खौफनाक और पुरअसरार नावल साया के बाद अब मैं आपके सामने उनका एक नया खौफनाक, आसेबी और पुरअसरार नावल धुन लेकर हाजिर हुई हूँ। मुझे उम्मीद है कि नावल साया की तरह आपको धुन नावल की कहानी भी बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो व्यूअर्स, आइए चलते हैं नावल धुंध की फर्स्ट एपिसोड की तरफ। रिश्ते नाते भूलने की चीज़ नहीं होते। मुझे भी सब कुछ याद था। तकरीबन 10 साल की उम्र थी इस वक्त जब वतन छोड़ा था। सब याद थे और वो वाकयात भी याद थे जिनके तहत वतन छोड़ना पड़ा था। हमारा ख़ानदान ज़मींदारों का ख़ानदान था। पुश्ती जागीरें थीं जो अब तक चली आ रही थीं, और कुछ मखसूस इलाकों में हमारी बड़ी धाक थी। मेरे वालिद चौधरी रहमान अली भी फितरतन ज़मींदार थे। वही लाओबाली मिजाज, वही शान व शौकत, वही ऐशो इशरत। मेरे जहन में माजी के मीठे मीठे नकूश अब तक मौजूद थे। माँ की सूरत भी याद थी जो बहुत ही खूबसूरत खातून थी। इनकी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर आज भी मेरे पास है। असल में मेरी वालिदा रहमान अली साहब की दूसरी बीवी थी। मैं नहीं जानता कि ये दूसरी शादी किन अवामिल के तहत हुई थी, लेकिन बाकी हालात मुझे मालूम थे। वालिद साहब की पहली बेगम हमीदा खातून अब भी हयात थीं। मेरे दो सौतेले भाई चौधरी फुरकान अली और गुफरान अली और एक बहन नवीदा खातून थी। ये सब वालिद साहब की आबाई हवेली में रहते थे जो फारूक आबाद में थी, लेकिन मैंने कराची में होश संभाला था। कराची में हमारा घर बहुत खूबसूरत था। चार मुलाजिम थे जिनमें दो खवातीन थीं। वालिद साहब ज़्यादातर फारूक आबाद में रहते थे क्योंकि इन्हें ज़मीनों की देखभाल करनी होती थी। मैं वालिदा के साथ रहता था जो अक्सर बीमार रहती थी। इस वक्त मैं छठी क्लास का तालिबे इल्म था जब वालिदा का इंतकाल हो गया। वालिद साहब कोई एक माह तक मेरे पास रहे थे, फिर मुझे तसल्लियाँ देकर वापस चले गए थे। लेकिन माँ के बगैर मेरी हालत बेहद ख़राब हो गई। मुलाजिम मेरा भरपूर ख्याल रखते थे, लेकिन माँ की कमी कौन पूरी करता। मैं बीमार हो गया, फिर शायद वालिद साहब को इत्तला की गई थी, तब वो आए थे। मेरी वजह से खासे परेशान हुए थे। कुछ दिन रहे फिर वापस चले गए, लेकिन इनके जाने के बाद फिर वही तन्हाई। मैं तीन बार बीमार पड़ा और वालिद साहब को सारे काम छोड़कर मेरे पास आना पड़ा। आखिरी बार वो मुझे फारूक आबाद अपने साथ ले गए। बहुत बड़ी हवेली थी, बड़ी रौनक थी यहाँ, बहुत से अफराद रहते थे। ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी। इब्तदाई चंद रोज़ बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं था। मुझे एहसास होने लगा था कि जब वालिद साहब हवेली में होते तो मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया जाता, और जूँ ही वो बाहर जाते मेरे साथ बेरुखी बरती जाती, अजीब अजीब बातें की जाती। एक दिन मैंने हमीदा बेगम के अल्फाज सुने, नागिन की औलाद संपोलिया ही हो सकती है। मुझे इसकी सूरत से नफरत है। यही कैफियत इन लोगों की थी जिन्हें मेरे भाई बहन बताया गया था। एक दिन मैंने वालिद साहब को ये बातें बताईं तो वो हैरान हो गए। ये तो नहीं मालूम कि और क्या बातें हुईं, लेकिन वालिद साहब ने गुफरान और फुरकान की पिटाई की थी। तब नफरत का बाकायदा ऐलान हो गया, और फिर एक दिन मुझे इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। रात का खाना खाते ही सीने पर एक बोझ महसूस होने लगा, फिर कैफियत बिगड़ती ही गई, और फिर कुछ होश ना रहा। होश आया तो शहर के एक अस्पताल में था और निचला धड़ माजूर हो चुका था। बाद में तफसील मालूम हुई, मुझे जहर दे दिया गया था। ज़िंदगी तो बर वक्त तिब्बी इमदाद देने से बच गई, लेकिन बदन जहर के असरात से मफलूज हो गया। कोई दो माह इसी अस्पताल में रहा। इसके बाद जहाज़ में एक तवील सफ़र करके मैं लंदन आ गया। वालिद साहब दो अफराद के साथ मेरे हमराह थे। यहाँ मुझे एक शानदार अस्पताल में दाखिल करा दिया गया जहाँ मेरा इलाज होने लगा। वालिद साहब ने मुझसे कहा था, सुल्तान बेटे, यूरोप बहुत शानदार है, यहाँ तुम्हारा इलाज होगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैंने तय किया है कि अब तुम्हें यहीं रखूँगा, तुम यहीं तालीम हासिल करोगे और आराम से यहाँ रहोगे। अकेला पप्पा? नहीं बेटे, ये नर्सें और डॉक्टर तुम्हारे साथ हैं। मिस जेनिफर तुम्हारे पास रहेंगी और तुम्हारी खूब अच्छी तरह देखभाल करेंगी। तुम ठीक हो जाओगे तो तुम्हें सैर करवाएंगी, फिर तुम्हें स्कूल में दाखिल करा देंगे। तुम हॉस्टल में रहोगे जहाँ तुम्हारे बहुत से दोस्त बन जाएंगे। और आप पप्पा? मुझे तो वापस जाना होगा बेटे, वहाँ जायदाद की देखभाल कौन करेगा? मेरे बेटे, मुझसे तावुन करो, तुम खुद को संभाल लोगे तो मुझे सुकून मिल जाएगा। फिर मैंने पप्पा से तावुन किया और ख़ुद को संभाल लिया। मैं ठीक हो गया। वालिद साहब आते रहते थे। मुझे एक स्कूल में दाखिल करा दिया गया और रफ्ता रफ्ता मैं सब कुछ भूल गया। तालीम जारी थी, अखराजात मिलते रहते थे।
बहुत से दोस्त बन गए थे जो आते जाते रहे। यूं ज़िंदगी के बहुत से साल गुजर गए। वालिद साहब अब कभी साल दो साल में आ जाते थे, फिर ये वक्फा बढ़ता गया, बस अखराजात मिलते रहते थे। अब कभी कभी फ़ोन पर इनसे गुफ्तगू हो जाती थी, लेकिन माजी कभी भूला नहीं जाता। वो सब याद थे जिनके दरमियान मुख्तसर लेकिन बड़ा अजीब वक्त गुजरा था। फिर अखराजात मिलना बंद हो गए। अचानक ही ऐसा हुआ था, जाहिर है परेशानी का दौर शुरू हो गया। बड़ी मुश्किल से चंद माह गुजरे। एक बहुत बड़ी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था, जिसका कभी ख्याल ही नहीं आया था। अपने वतन में कोई ऐसा नहीं था जिसे राबता कर सकता, वालिद साहब की खैरियत मालूम कर सकता। वही बेचारे सब कुछ करते थे। उन्होंने खुद कभी मुझे कोई ऐसा पता नहीं दिया था जिस पर इनके बारे में कुछ मालूम कर सकता। सख्त परेशानी लाहक हो गई। अब तो इज्जत बचाना मुश्किल हो गई थी। पैसे पैसे को मोहताज हो गया। मेरे एक दोस्त अमानुल्लाह ने कहा, बेहतर है कोई मुलाजमत कर लो और तालीम पूरी करो, ये कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन पप्पा से इस तरह रابطہ तो नहीं ख़त्म कर सकता, वहाँ की खैरियत तो मालूम होनी चाहिए, मैंने इस तरह आपसे कहा। तब मेरी बात मानो, मेरे बहुत अच्छे दोस्त गज़नफर राणा ने कहा, क्या वतन चले जाओ, कम अज़ कम इन इलाकों के बारे में तो जानते हो जहाँ तुम्हारा ख़ानदान आबाद है। यार गज़नफर, ऐसा ही करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे पास हैं, जाना चाहो तो बताओ, मैं बंदोबस्त कर दूँगा। मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे तफसीलात मुहैया कर दो। मेरे दोस्त ने तमाम इंतजाम कर दिए। मैंने इससे कहा, वहाँ पहुँच कर तमाम कर्ज वापस कर दूँगा। फिर मैं वतन वापस चल पड़ा। दिल पर शदीद बोझ और इस्तराब था, ना जाने क्या हुआ है। बहरहाल ये तो वहाँ जाकर ही पता चल सकेगा। सच्ची बात यह है कि किसी और से तो कोई लगाव नहीं था, लेकिन वालिद साहब बहुत याद आ रहे थे। माजी के हर नक्श को जहन में ताज़ा कर लिया था। वो तमाम रास्ते याद कर रहा था जो फारूक आबाद को जाते थे। बिलाखिर इस शहर के एयरपोर्ट पर उतर गया जहाँ होश संभाला था। अपना घर, अपना मोहल्ला याद था जहाँ मैं वालिदा के साथ रहता था। गज़नफर ने खासी माकूल रकम मुझे दी थी जो मेरे काम आ रही थी, लेकिन मुश्किल हालात का अंदाज़ा था, इसलिए किसी मामूली होटल की तलाश की और बहुत मामूली से किराए के कमरे में क़याम किया। इसके बाद सबसे पहले इस मकान को तलाश किया जिसमें माँ के साथ रहता था। मकान मिल गया। इसमें बहुत तब्दीलियाँ वाकई हुई थी। बेल बजाने पर एक खातून ने गेट खोला था। जी, किससे मिलना है, उन्होंने मेहरबान नज़रों से मुझे देखते हुए कहा। माजरत चाहता हूँ, थोड़ी सी मालूमात दरकार है। जी जी, फरमाइए। आप इस मकान में कब से रहती हैं? बहुत अरसे से। ये मेरे शोहर का मकान है और तकरीबन 10 साल से मैं यहाँ हूँ। मगर खैरियत, आप क्यों पूछ रहे हैं, खातून ने किसी कदर हैरत से कहा। असल में पहले मैं यहाँ रहता था, बल्कि यूँ समझ लें मैंने यहीं होश संभाला था। कितने अरसे कबल? बहुत पुरानी बात है, बेहद शुक्रिया। वैसे आपको इल्म है कि इसे आपके शोहर ने ख़रीद लिया है या? हाँ, अब ये मेरे नाम है। मेरे शोहर के वालिद ने इसे कोई 13 साल कबल ख़रीदा था। मैं आपकी इस मेहरबान गुफ्तगू पर दिली शुक्रगुजार हूँ, बस यही मालूम करना चाहता था। कोई बात नहीं, खातून ने जवाब दिया और मैं वहाँ से चल पड़ा। इसका मतलब यह है कि रहमान अली साहब ने इसे इसी दौर में फ़रोख्त कर दिया था। अब इसके सिवा और कोई चाराकार नहीं था कि फारूक आबाद का सफ़र करूँ। होटल वापस आ गया और किसी ऐसे शख्स को तलाश करने लगा जो मुझे फारूक आबाद का रास्ता बता दे। होटल के एक बैरे को ताका। कहाँ के रहने वाले हो? साहिवाल का जी। फारूक आबाद के बारे में जानते हो? अपने ही इलाके में है, कोट नाथा लाल से कोई 8 मील अंदर। अगर मैं जाना चाहूँ तो मुझे कैसे जाना होगा, मैंने सवाल किया। बैरे ने कुछ देर सोचा फिर बोला, आप यहाँ से साहिवाल जाओ, वहीं उतरना होगा आपको। हालांकि नाथा लाल रास्ते में आएगा, मगर रेल वहाँ नहीं रुकती। आपको साहिवाल उतर कर तांगा करना होगा, वो आपको फारूक आबाद पहुँचा देगा। रेल का सफ़र एक नया तजुर्बा था, लेकिन इतने अरसे वतन से दूर रहकर सब कुछ ही भूल चुका था। ये भी बस हिम्मत थी या बाप की मोहब्बत और लगन के इस तरह जद्दोजहद कर रहा था। हालात की संगीनी का एहसास हो रहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि चौधरी साहब ने कभी बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। वालिदा साहिबा हयात थी तो दूसरी बात थी, दोनों की मुश्तरका मोहब्बत ने कभी गौर ही नहीं करने दिया था। लेकिन इसके बाद बहुत कुछ बदल चुका था। वालिद साहब ने मुझे तहफ़ दिया था, लंदन में रखा था, अखराजात उठाए थे। आखिर कोई जज्बा ही था इनके दिल में, वरना ये सब कुछ क्यों करते, मुझे मेरे हाल पर छोड़ देते। फिर कई बार मेरे पास आए भी थे। अब वो मोहब्बत इनके अंदर नहीं थी जो रवायती होती है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी। बाकी बहन भाई भी तो इन्हीं की औलाद थे। ट्रेन के सफ़र के दौरान हम सफ़रों से साहिवाल के बारे में पूछता रहा था। पता चला था कि ये ट्रेन कोई 7:30 बजे शाम साहिवाल पहुँचेगी। वहाँ से फारूक आबाद कितनी दूर है, मैं नहीं जानता भाई, हम सफ़र ने माजरत की।
सुना है 8 मील के फासले पर है। हो सकता है, असल में मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। कराची से ट्रांसफ़र होकर गया हूँ, इसलिए मुझे इन इलाकों के बारे में कुछ मालूम नहीं है। आप कहाँ जा रहे हैं? लाहौर। बराहे करम साहिवाल आ जाए तो मुझे बता दीजिए। ज़रूर, मेरे हमसफ़र ने कहा। अली उस सुबह सफ़र का आगाज़ किया था। सारा दिन सोचों और उलझनों में गुजर गया। इस दौरान सिर्फ चाय और बिस्किटों पर गुजारा करता रहा था। तबीयत बहुत अजीब हो रही थी। एक नामालूम सा खौफ दिल पर मुसल्लत था। खुदा जाने चौधरी साहब किस हाल में हों, खुदा करे वो सलामत हों। अगर मेरे अखराजात से उकता गए हों और आइंदा मेरी कफालत करने से कासिर हों तो कोई बात नहीं है, मैं वापस लंदन चला जाऊँगा। अब इस काबिल हूँ कि नौकरी कर सकूँ। अगर कोई ऐसी नौकरी मिल गई कि तालीम भी जारी रख सकूँ तो पढ़ता रहूँगा। वक्त खुद मेरे मुस्तकबिल का फ़ैसला करेगा। और तालीम जारी ना भी रख सका तो बहरहाल गुजारा कर लूँगा, लेकिन बस चौधरी साहब की खैरियत की खबर मिले। घड़ी में वक्त देखा, 7 बजे थे। मेरे हमसफ़र ने कहा, ट्रेन राइट टाइम है, बस एक दो छोटे स्टेशन आएंगे जहाँ ये नहीं रुकेगी, फिर साहिवाल आ जाएगा। मुझे बता दीजिएगा प्लीज़। हाँ, आप बेफिक्र रहें, इस नेक इंसान ने कहा। रास्ते में कोट नाथा लाल का स्टेशन भी देखा। घड़ी पर यकीन नहीं आ रहा था, हालांकि 7:10 हुए थे, लेकिन फिज़ा में गहरा अंधेरा उतर आया था। कराची में ऐसा नहीं था, वहाँ तो 7 बजे खूब रोशनी होती थी। फिर ट्रेन की ब्रेकें घिसटने लगीं और मेरे हमसफ़र ने कहा, साहिवाल आ गया है। ट्रेन के रुकने पर मैंने अटैची को संभाला और अपने हमसफ़र का शुक्रिया अदा करके नीचे उतर गया। अनोखा स्टेशन था, बहुत कम लोग नज़र आ रहे थे। ट्रेन जैसे सिर्फ मुझे उतारने के लिए रुकी थी, फ़ौरन ही आगे बढ़ गई। मैंने अजनबी नज़रों से चारों तरफ देखा, फिर आगे बढ़कर स्टेशन एरिया से बाहर निकल आया। दूर दूर तक टैक्सी के लिए निगाह दौड़ाई, लेकिन टैक्सी का नामो निशान नहीं था। लंबे से कद का एक आदमी चादर ओढ़े मेरे पास आ गया। बाऊजी किधर जाओगे? तुम टैक्सी ड्राइवर हो? नहीं जी, तांगा है अपना। तांगा? हाँ तांगा। मुझे होटल के बहरे की बात याद आ गई, मुझे फारूकाबाद जाना है। किधर जी? तांगे वाला हैरत से बोला। फारूकाबाद? मुश्किल है बाऊजी, इस टाइम कौन फारूकाबाद जाएगा, बड़ी दूर है वो जी। मगर मुझे जाना है। देख लो जी, कोई तैयार हो जाए तो। मेरी मानो किसी होटल में रुक जाओ, सुबह चले जाना, कच्चा रास्ता है जी, फिर दूर भी है। फिर वो चौंक कर बोला, बाऊजी हो सकता है शीदा चला जाए। ओ शीदे इधर आ भाई। तांगे वाले ने ज़ोर से हाँक लगाई और नोकीली मूछों वाला एक तवाना जवान इस तरफ आने लगा। वो करीब पहुँचा तो पहले वाले ने कहा, ओ फरूकाबाद की सवारी है भाई, ले जा। ओ नहीं यार, टाइम तो देख, शीदा बोला। तेरी मर्जी है, कराए मुकाले। शीदे ने मुझे देखा, मुझ पर गौर किया, फिर बोला, लाल नोट होगा बाऊजी, ले जाएंगे। ठीक है चलो, मैंने जवाब दिया। आओ जी, बिस्मिल्लाह। इसने अटैची मेरे हाथ से ले लिया, फिर इसे एक तांगे में रखकर बोला, आगे बैठ जाओ हमारे साथ। मैंने इसकी हिदायत पर अमल किया था, लेकिन तांगे में बैठने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ी थी। वालिद साहब के साथ फारूकाबाद आया था, लेकिन जीप में सो गया था। ठीक से याद भी नहीं था कि कहाँ से जीप ली थी। बहरहाल तांगा चल पड़ा। तुम फारूकाबाद में रहते हो? नहीं जी, हम दाद खान के रहने वाले हैं, इसने जवाब दिया। फारूकाबाद जाते रहते हो? हाँ जी, सवारी मिल जाती है तो चले जाते हैं। मगर बाऊजी, सूरज ढले कोई माई का लाल इधर नहीं जाता। क्यों? बस जी, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कैसी बातें? ओ छोड़ो बाऊजी, लोगों का क्या है, वो तो बस मनगढ़ंत सुनाते हैं। हाँ, डाकुओं की बात हम मानते हैं। डाकू? मैंने किसी कदर घबरा कर कहा। हाँ जी, डाकू नाके लगा लेते हैं, पर इधर ऐसा कम ही होता है। असल में बाऊजी मुखबरी होती है, वरना डाकू भी पागल नहीं होते। हमारे तुम्हारे पास से क्या ले लेंगे बेचारे, पर दूसरी बात से तो हमें भी डर लगता है। दूसरी बात क्या है? मैंने पूछा। ना बाऊजी, छोड़ो, वो जो कहते हैं इंसान का दिल बेईमान होता है। दादी मारे को समझाती थी कि सफ़र में ऐसी वैसी बातें नहीं करते हैं। मैं खामोश हो गया। शीदे की बातें मुझे बड़ी पुरसरार लग रही थी। यूरोप की ज़िंदगी यहाँ की ज़िंदगी से बहुत मुख्तलिफ थी। हंगामे, वहशत, शब व रोज़ की मसरूफियत, इतना खामोश माहौल कहीं नहीं था। अंधेरा खूब गहरा हो गया था, दूर दूर तक रोशनी की कोई रमक नहीं थी। शीदे ने तांगे में लगी हुई एक खूबसूरत लालटेन रोशन कर ली, जिसकी मध्यम रोशनी चंद गज तक काम कर रही थी। सड़क के दोनों सिम खेत बिखरे हुए थे, कहीं कहीं खाली ज़मीन भी नज़र आ जाती थी। दरख्त यूँ लग रहे थे जैसे बुलंद कदोकामत के लोग नाका लगाए खड़े हों। इस माहौल ने दिल पर किस कदर वहशत तारी कर दी थी। मुझे इस गहरी रात पर हैरत थी,
यूं लगता था जैसे रात भी अपना सफ़र जल्द अज जल्द तय कर लेना चाहती हो, या फिर यहाँ रात की उम्र बहुत लंबी हो। आसमान पर तारे नुमाया हो चुके थे और इस सफ़र के दौरान आंखें रात में देखने की आदी होने लगी थी, इसलिए अब मनाजिर इतने तारीख नहीं लग रहे थे। शीदे बहुत खामोश हो, मैंने कहा। नहीं बाऊजी, आप कुछ बोलो। तुम अपने पिंड के बारे में बताओ। ओ जी, हमारा पिंड कितना सा है, 100-150 घर हैं, बड़े ज़मींदार की हवेली है और बस। क्या नाम है तुम्हारे ज़मींदार का, मैंने पूछा। लेकिन अचानक तांगे का घोड़ा बड़ी ज़ोर से हनहनाया और फिर अजीब से अंदाज में पाँव मारने लगा। ओ हट टे, ओए होए, ही आ, ओ क्या हो गया जवाने। शीदा घोड़े को चमकारने लगा मगर घोड़ा बुरी तरह खौफजदा हो गया था। ओ क्या हो गया भाई तुझे, ओए। घोड़ा रुक गया था और किसी तरह आगे नहीं बढ़ रहा था। फिर वो एकदम खड़ा हो गया और पीछे से किसी चीज़ के आने की आवाज़ सुनाई दी। इसके साथ ही शीदे की आवाज़ उभरी, बाऊ जी वो साए, जल तू जलाल तू, जल तू। अरे अरे, घोड़े को संभालो, ओ ओए। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे तांगा उलट जाएगा। चनाचा मैं घबरा कर तांगे से नीचे कूद गया। मेरे कानों में शीदे की आवाज़ उभरी, जल तू जलाल तू, ओए संभल, ओए ओए। अचानक घोड़े ने रुख बदल लिया। अगर मैं उछलकर एक तरफ ना हट जाता तो इसकी लपेट में आ जाता। बचकर पीछे हटा तो सड़क के किनारे कोई 3 फुट नीचे ढलान पर पाँव पड़ा और मैं लुढ़क गया। तवाज़न संभालने की बहुत कोशिश की लेकिन ना संभल सका और धड़ाम से गिर पड़ा। शुक्र है किनारे सूखे थे, इसलिए सिर्फ मट्टी लिबास में लगी, जिसे मैंने उठकर झाड़ लिया। लेकिन तांगे वाले पे शदीद गुस्सा आ रहा था। ना जाने बदबख्त को क्या हो रहा था, जाहिल गवार। फिर अचानक अपने अटैची केस का ख्याल आया और मेरा दिल धक से हो गया। इसमें तो मेरा सब कुछ था। अब सूरत हाल की संगीनी का एहसास हुआ। ये तो बेहद खौफनाक वाकया हो गया। अटैची में मेरे कागजात, पासपोर्ट वगैरह भी थे और लेकिन फिर सामने निगाह उठी तो अटैची पड़ी नज़र आ गई। ये इस वक्त गिरी थी जब घोड़ा खौफजदा होकर अलिफ हो गया था और मुझे किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई दी थी। मैंने लपक कर इसे उठाया और मेरे दिल से तमाम वसवसे निकल गए। अब कोई फिक्र नहीं थी, कम अज़ कम मुस्तकबिल ख़तरे से निकल गया था। लेकिन आखिर हुआ क्या था, यह अंदाज़ा बखूबी हो गया था कि पहले घोड़ा खौफजदा हुआ था और फिर शीदा। अचानक एक ख्याल ने मुझे भी खौफजदा कर दिया। ये जंगल है, वीराना है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई दरिंदा घात में हो और हो सकता है घोड़े ने दरिंदा देख लिया हो। अब क्या करूं, आगे बढ़ूं तो दरिंदा हमला न कर दे, पीछे जाना भी बेकार था। सुबह तक किसी ऐसी जगह नहीं पहुंच सकता था जहां आबादी हो, दरिंदा ताकुब भी कर सकता है। दिल में हिम्मत पैदा की, अटैची को संभाला और आगे बढ़ने लगा। अब बहुत मोहतात होकर आगे बढ़ रहा था। निगाहें इधर उधर भटक रही थी लेकिन दूर दूर तक खामोशी और सन्नाटा फैला हुआ था। मैं आगे बढ़ता रहा। कोई 100 गज चला होगा कि अचानक बिल्कुल सामने एक इंसानी वजूद का एहसास हुआ। मेरे कदम रुक गए, मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। कोई औरत थी, मैंने इसके एतराफ़ में निगाहें दौड़ाई। अकेली तो हो नहीं सकती, कोई ज़रूर साथ होगा। बस एक लम्हा रुका और फिर आगे बढ़ गया। इंसान ही है, मेरा क्या बिगाड़ेगी। अपनी जगह खामोश खड़ी हुई थी, मैं इसके करीब पहुँच गया। वो रास्ते के दरमियान खड़ी हुई थी लेकिन दूर दूर तक कोई और नहीं था। औरत, वीराना और ये तन्हाई, मैंने इसे करीब से देखा। बेहद खूबसूरत थी, सुर्ख लिबास पहना हुआ था, जेवरात पूरे बदन पर जगमगा रहे थे, दूध सा सफ़ेद चेहरा जगमगा रहा था। कोई दुल्हन थी, उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। कौन हो तुम? चंदरिया, इसकी आवाज़ भी दिलकश थी। यहाँ क्या कर रही हो? इंतज़ार, किसका? तुम्हारा और किसका? क्या, मैंने चौंक कर कहा। आज भी नहीं ले जाओगे बाऊजी, आज भी यहीं छोड़ दोगे? देखो दुल्हन बनकर आई हूँ, बुरी लग रही हूँ क्या? मैंने ताजुब भरी आंखों से इसे देखा। इसकी आंखों में दीवानगी तलाश की। दफ़तन मुझे एहसास हुआ कि वो पागल है, हो सकता है दीवानगी में इधर आ निकली हो। लेकिन वो एक होशमंद की आंखें थीं, बड़ी बड़ी और खूबसूरत आंखें जिसमें उदासी तैर रही थी। तुम मुझे जानती हो? तुम्हें ना जानूंगी तो और कैसे जानूंगी? जीवन में तुम्हें ही तो जाना है बाबूजी। तुम्हें ज़रूर गलतफहमी हुई है, मेरा नाम सुल्तान है। और कितने धोखे दोगे बाबूजी? चंदरिया हूँ तुम्हारी, मेरा हाथ पकड़ लो बाबूजी, कहीं की ना रही मैं तो। हाय धीन धर्म गया, माता पिता छिन गए, मंडप से भागी हुई हूँ बाबूजी, मुझे स्वीकार कर लो। इसके लहजे में बड़ा दर्द था, मेरा दिल पिघलने लगा। कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है इसे, मैंने हमदर्दी से कहा।
लड़की, मुझे बहुत अफसोस है, तुम्हारी आंखें धोखा खा रही हैं। मुझे गौर से देखो, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। हाँ, तुम वो नहीं निकले जो मैंने समझा था, वो ठंडी सांस लेकर बोली। उफ़ो, तुम मुझे पागल मालूम होती हो, मैं वैसे ही परेशान हूँ। सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मान लो बाबूजी, मैं दुखियारी कहाँ मारी मारी फिरूंगी, इसने कहा और सिसकने लगी। क्या तुम फारूकाबाद में रहती हो, मैंने किसी ख्याल के तहत सवाल किया। अब तो संसार में कहीं ठोर नहीं है मेरा, अब तो तुम्हारे चरण में मेरा ठिकाना है। मेरा हाथ पकड़ लो बाबूजी, तुम्हारे बदन पर कितने कीमती जेवरात हैं, कोई बुरा आदमी मिल गया तो ना जाने तुम्हारे साथ क्या सलूक करे, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है पागल लड़की। तो ले चलो ना साथ मुझे, लो मेरा हाथ पकड़ लो। ओह बकवास मत करो, ना जाने तुम क्या मुसीबत हो, जहन्नुम में जाओ, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। आखिरी बार कह रहा हूँ, फारूकाबाद जाना है तो मेरे पीछे पीछे आ जाओ, वरना मैं जा रहा हूँ। मैंने कदम आगे बढ़ा दिए। रुको तो सही, रुक तो जाओ बाबूजी, ओ बाबूजी, बाबूजी। इसकी आवाज़ तेज़ होती गई, मगर मैं झुंझलाहट में तेज़ तेज़ चलता हुआ दूर निकल आया। हालांकि मुझे अफसोस हो रहा था, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मैं इसकी मदद करना चाहता था, लेकिन वो अजीब ही बातें कर रही थी, फिर कुछ मशकूक भी थी। इतने कीमती जेवरात के साथ घर से भागी हुई, किसी मुसीबत में भी पड़ सकता था। वैसे मुसीबत ज़्यादा तो मैं था, जो उलझने थी इन्हें नज़रअंदाज कर देता तो अलग बात थी, लेकिन पप्पा का ख्याल आता तो दिल हौलने लगता था। मैं नहीं जानता था कि फारूकाबाद जाकर मुझे इनके बारे में क्या ख़बर मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद इस लड़की की मदद करना चाहता था। इसे वहाँ तन्हा छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगा था। बहुत दूर निकलने के बाद मैंने पलट कर देखा, अब भी अगर वो भागकर मेरे पास आ जाए तो कम से कम मैं इसे फारूकाबाद तक तो पहुँचा ही दूँ, कहीं डाकुओं के हाथ ना लग जाए। लेकिन अब वो नहीं नज़र आ रही थी, हालांकि रास्ता सीधा था। मैं एक ठंडी सांस लेकर आगे बढ़ गया। तारीख रात मेरे सर से गुजर रही थी और मैं हैरान परेशान आगे बढ़ रहा था, पाँव जवाब देने लगे। तब मुझे एक ऐसा दरख्त नज़र आया जिसके नीचे एक प्लेटफॉर्म सा बना हुआ था। मट्टी से बनी इस बुलंद साफ सुथरी जगह पर चढ़कर मैंने अपना अटैची केस दरख्त के तने के सहारे रखा, फिर सब कुछ भूलकर वहां लेट गया और दिमाग को ख्यालात से आज़ाद करके आंखें बंद कर ली। सब कुछ जहन्नुम में जाए, जो होगा देखा जाएगा। नींद आंखों में तैर गई, थकन ने यह सहूलत बख्शी थी। और फिर इस वक्त जागा जब तेज़ रोशनी फूट रही थी, शायद गुजरी रात के साथ मेरे सितारे भी तारीकी से निकल आए थे। मेरी निगाह पिछली तरफ उठी थी और दूर से मुझे एक जीप आती नज़र आई थी जो इसी तरफ जा रही थी। मैं जल्दी से अटैची उठाकर कच्ची सड़क के दरमियान आ खड़ा हुआ। जीप के ड्राइवर ने मुझे देखकर रफ्तार सुस्त कर दी, फिर वो मेरे पास रुका। ये रास्ता फारूकाबाद जाता है, मैंने इस शख्स से पूछा जो जीप में तन्हा था। हाँ जी, जाता है, अगर तुम्हें तकलीफ़ ना हो तो मुझे भी वहाँ ले चलो। हमें क्या तकलीफ़ होगी जी, बैठ जाओ, ड्राइवर ने कहा और मैं इसका शुक्रिया अदा करके बैठ गया। जीप आगे बढ़ गई थी। शहर से आए हो बाबूजी? हाँ। रिश्तेदारी है फारूकाबाद में? हाँ है। किसके घर जाओगे? हम पहुँचा देंगे, इसने मेहरबानी से कहा। मुझे हवेली जाना है। हैं जी? वो चौंक पड़ा। हाँ, तुम क्यों चौंक पड़े? वो जी, हम तो हवेली के नौकर हैं, मालिक के कुछ बंदों को साहिवाल छोड़ने गए थे। आप छोटे चौधरी साहब के मेहमान हो क्या? हाँ, तुम फुरकान की बात कर रहे हो? मेरा दिल धड़कने लगा, ये शख्स तो मुझे बहुत कुछ बता सकता था। ओ माफ़ी मांगते हैं साहब जी, आप तो मेरे पीछे बैठो, हम गाड़ी रोकते हैं। नहीं ठीक है, तुम बड़े चौधरी साहब के बारे में कुछ जानते हो? हाँ जी, अल्लाह बख्शे, उन्होंने ही हमें रखा था, वो बोला। और मेरे दिमाग में एक ज़ोरदार छन्नाका हुआ, मेरा सर चकरा कर रह गया था। मेरे मुंह से आहिस्ता से निकला, अल्लाह बख्शे, तुम चौधरी रहमान अली की बात कर रहे हो? हाँ जी, इनका इंतकाल हो गया। ऐं जी, इन्हें तो फोत हुए कुछ 6 महीने गुजर गए, ड्राइवर ने कहा और मेरी आंखों में आंसू छलक आए, गले में गोला सा आ फंसा। तो पापा मर गए इतनी खामोशी से? मुझे पता भी नहीं चल सका, किसी ने मुझे खबर भी नहीं की। कौन खबर करता, यहाँ तो सब मेरे दुश्मन थे। ओह पापा, मेरा दिल रोने को चाह रहा था। बाऊजी, आपको पता नहीं था? बीमार हुए थे, नमूनिया हो गया था, रात को हालत ख़राब हुई, सुबह को अस्पताल में मर गए। जीप फारूकाबाद में दाखिल हो गई। सब कुछ बड़ा अजनबी लग रहा था, पप्पा को याद करके आंखों में आंसू तैर रहे थे। बमुश्किल तमाम खुद को संभाला, जीप हवेली में जा रुकी और मैं अटैची लिए नीचे उतर आया। भारी तनोतोष के एक बेहद शरीफ सूरत शख्स ने मुझे देखा और चौंक कर रुक गया, इसके चेहरे पर हैरत के नकूश थे। वो पथरा सा गया था, सेहत अच्छी थी
लेकिन उम्र बहुत काफ़ी मालूम होती थी क्योंकि ना सिर्फ दाढ़ी बल्कि भवें तक सफ़ेद बराक थी। इस वक्त कुछ लोग हंसते हुए अंदरूनी दरवाजे से बाहर निकले। दो खूबसूरत खवातीन और दो मर्द थे। इनकी सूरतें शनासा लगीं। गो सालों के बाद देखा था लेकिन मैंने इन्हें पहचान लिया। ये फुरकान और गुफरान ही थे। मामूली सी शक्ल सूरत और जिसामत रखते थे जबकि इनकी नस्बत मेरा कद भी बुलंद था और रुखसारों से खून छलकता था। इनकी साथी खवातीन के बारे में मुझे अंदाज़ा नहीं हो सका। वो लोग भी चौंक कर रुक गए थे। फिर गुफरान आगे आया और बोला, जी फरमाइए। मैंने इसकी बात का जवाब नहीं दिया और खामोशी से इसे घूरता रहा। वो रऊनत से बोला, कौन हैं आप, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सुल्तान है, मैंने कहा। जी, किससे मिलना है? मैं चौधरी रहमान अली का बेटा हूँ, मैंने सर्द लहजे में कहा। क्या? वो ना समझने वाले अंदाज में बोला, फिर एकदम चौंक पड़ा। क्या? इस क्या का अंदाज मुख्तलिफ था। अब वो बौखलाई हुई सी निगाहों से मुझे देख रहा था। भारी जिसामत वाला मम्मिर शख्स अब संभल गया था लेकिन वो अपनी जगह से गया नहीं था। फिर फुरकान भी आगे आ गया और गुफरान से बोला, क्या बात है, ये कौन साहब हैं और कहाँ से आए हैं? ये सुल्तान हैं, अब्बू के बेटे, गुफरान बामुश्किल बोला और फुरकान इसकी बात समझने की कोशिश करने लगा। दोनों खवातीन भी सूरत हाल मालूम करने के लिए करीब आ गई थीं। आप आइए, अंदर आइए, मुंशी साहब किसी को बुलाएं, इनका अटैची संभालें। आइए, अंदर आइए, फुरकान ने फौरन संभल कर कहा। औरतें अभी मेरे बारे में नहीं जान सकी थीं इसलिए मुतजस्सिस नज़र आ रही थीं। वो लोग मुझे एक आलीशान ड्राइंग रूम में ले गए। आपका लिबास काफ़ी ख़राब हो चुका है इसलिए पहले आप गुसल कर लें, इसके बाद बात होगी। पापा का इंतकाल हो गया, मैंने सर्द लहजे में कहा। आपको इल्म नहीं? कितना अरसा गुजर गया? वो तो कुछ 6 माह गुजर गए, मुझे खबर क्यों नहीं की गई? कहाँ खबर की जानी चाहिए थी आपको, फुरकान ने किसी कदर तंजिया लहजे में कहा। इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। एक खातून ने किसी कदर दरिश्त लहजे में कहा, ये कौन है गुफरान, क्या हमें बताना ज़रूरी नहीं है? ओह उज़्मा, ये सुल्तान है, हमारे सौतेले भाई, अब्बू की दूसरी बीवी के बेटे, गुफरान ने झिझकते हुए कहा और दोनों खवातीन हैरान हो गईं। फिर उज़्मा खातून ने संभल कर कहा, सुल्तान मैं आपकी भाभी हूँ, उज़्मा मेरा नाम है, आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। आपकी हालत बहुत बुरी हो रही है, जाइए गुसल वगैरह कीजिए, सारी बातें इत्मीनान से होंगी। वो गुसल खाना है, लाइए अटैची की चाबी दीजिए, मैं आपका लिबास निकाल दूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ, पापा की मौत के बारे में मालूम करना चाहता हूँ। बेहतर है कि ज़िद ना करें, वो गुसल खाना है, जाइए प्लीज़, बड़ों का कहना मानते हैं, जाइए, गुसल ना करें हुलिया तो दुरुस्त करें, उज़्मा ने कहा। ना जाने क्यों मैं इनकार नहीं कर सका। वाशरूम के आईने में अपना हुलिया देखा, वाकई ख़राब हो रहा था। बहरहाल ख़ुद को संवारा, इन दोनों भाइयों के चेहरों के तासुरात से बहुत से अंदाजे लगा रहा था और अब एक लाइहा अमल तय कर रहा था। दिलो दिमाग में जहर उतर रहा था, माजी याद आ रहा था, बहुत सी भूली बातें जहन में ताज़ा हो रही थी और दिमाग में धुआं भरता जा रहा था। पापा मर गए और ये हवेली दुश्मनों की हवेली थी, कोई धोखा नहीं खाना था। बाहर निकलने से पहले मैंने सब कुछ तय कर लिया था। बाहर आया तो ड्राइंग रूम में कोई नहीं था, मेरा अटैची भी नहीं था। लेकिन फिर एक मुलाजिम ने अंदर झांका और मुझे देखकर अंदर आ गया। सब लोग बड़े कमरे में आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आइए। मैं कुछ सोचकर इसके साथ चल पड़ा। अंदर मुझे एक आलीशान नशिस्त गाह में ले जाया गया जहाँ गुफरान, फुरकान और दूसरी खवातीन मौजूद थीं जिनका नाम मुझे अभी तक नहीं मालूम हो सका था लेकिन अंदाज़ा ज़रूर हो गया था कि ये फुरकान की बीवी है। वो सब सोफों पर बैठे हुए थे। मेरा अटैची कहाँ है? वो सामने रखा है, बेफिक्र रहें, महफूज है, गुफरान ने कहा। मुझे आपसे कुछ मालूमात दरकार हैं। जी फरमाइए। हमने आपको बहुत छोटी उम्र में देखा था और इसे सालिहा साल बीत गए, इसके बाद कभी आपसे कोई राबता नहीं रहा, हमें आपकी कोई तस्वीर भी कभी हासिल नहीं हुई। ऐसी शक्ल में आप खुद समझ सकते हैं कि हमारे लिए क्या मुश्किलात हो सकती हैं। हमें इल्म है कि हमारे एक भाई मुल्क से बाहर है लेकिन वो मैं हूँ या नहीं यही मालूम करना चाहते हैं आप? नेचुरल, फुरकान ने कहा। मुझे सिर्फ चौधरी रहमान अली की मौत की तफसीलात दरकार हैं और अगर इनकी मौत भी बकौल आपके नेचुरल है तो मुझे इसके बारे में बता दीजिए। अगर वो मौत नेचुरल है तो आपको कोई खौफ नहीं होना चाहिए। क्या ये बताने के लिए भी आपको मेरी शनाख्त की ज़रूरत है? मेरे अल्फाज इनके लिए काफ़ी परेशान कुन थे, वो भोंच के रह गए। इसी वक्त दरवाजे से एक मुलाजिम बड़ी सी ट्रॉली धकेलता हुआ अंदर लाया जिस पर अनवाव इकसाम की अशाए खुदनोश बार थी।
इसके पीछे उज्मा और एक उम्र रसीदा खातून भी थी जिसे मैंने पहचान लिया। ये मेरे वालिद की पहली बेगम हमीदा खातून थी। मैंने इन्हें सलाम किया लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया था। उज्मा ने अलबत्ता मेरे आगे प्लेट लगाते हुए कहा, खाना खाओ, हम लोग खा चुके हैं, वरना तुम्हारा साथ देते, इसके बाद इत्मीनान से बातें होंगी। लो प्लीज़, उन्होंने एक डिश मेरे सामने करके कहा। माजरत ख्वाहूँ मोहतरमा, इस घर में मुझे एक बार जहर दिया जा चुका है, दोबारा जहर नहीं खाना चाहता। उम्मीद है आप मुझे ज़िंदा रहने का मौका देंगी। मेरे अल्फाज बम का धमाका थे। उज्मा के हाथ से डिश गिरते गिरते बची थी और इसका मुँह हैरत से खुला रह गया था। वहाँ मौजूद तमाम अफराद पर मेरे इन अल्फाज का मुख्तलिफ रद्द अमल हुआ था। उज्मा ने डिश मेज़ पर रख दी थी और खामोश हो गई थी। दूसरी भाभी के चेहरे का रंग भी बदल गया था। ख़ास तौर से हमीदा बेगम के तासुरात में लम्हा लम्हा तब्दीली हो रही थी। ना जाने क्यों मुझे इन सब की इस कैफियत से लुत्फ महसूस हुआ। मैंने मुस्कुराते हुए दूसरा वार किया, मैं नहीं जानता इस वक्त आप लोगों की उम्रें क्या थीं। मुमकिन है आपको ये वाक़या याद ना हो, लेकिन मैंने रुक कर हमीदा बेगम का चेहरा देखा। मोहतरमा इस वाक़े को अच्छी तरह जानती हैं। मेरे इस अंदाज़ पर हमीदा बेगम तिलमिलाईं, फिर गुर्राई हुई आवाज़ में बोली, साफ क्यों नहीं कहते कि मैंने तुम्हें जहर दिया था। बहुत छोटा और नासमझ था खातून, सिर्फ अंदाजे से इतनी बड़ी बात कैसे कह सकता हूँ। तुम हम लोगों पर इल्ज़ाम लगाना चाहते हो, गुफरान ने सख्त लहजे में कहा। तुम लोग खामोश रहो, मुझे बात करने दो, हमीदा बेगम ने कहा। अम्मी लेकिन, गुफरान बोला, सुना नहीं तुमने, तुम लोग खामोश रहो। साहिबजादे पहले ये बताओ तुम हो कौन। मेरा नाम सुल्तान अली है, चौधरी रहमान अली का बेटा हूँ। और तुम्हें चौधरी रहमान अली की मौत के बारे में मालूम नहीं है? जी हाँ, मेरे ख्याल में इनकी मौत को मुझसे छुपाया गया है। तब भी यहाँ आने की बजाय हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह नहीं सोचा था मैंने, ना ही मुझे ये बात मालूम थी। ये फैसले तो अब करने होंगे। ज़रूर, तुम्हें इसका हक हासिल है, लेकिन पहले तुम्हें अपनी तस्दीक करानी होगी। तुम वो हो भी या नहीं जो खुद को जाहिर कर रहे हो, गुफरान बोला। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं जनाब, हालांकि मोहतरमा इसकी तस्दीक कर चुकी हैं, मैंने हमीदा खातून की तरफ इशारा करके कहा। मैं, वो तनक कर बोली, जहर खुरानी के वाक़े को आपने तस्लीम किया है। तमाम हजरात गुफ्तगू में मसरूफ़ हैं। उठो गजाला, मेरे ख्याल में यहाँ हमारी ज़रूरत नहीं है। अचानक फुरकान अपनी जगह से उठ गया और सब चौंक पड़े। आप खुद खामोश बैठे हुए हैं भाई जान, देखिए ना, वो न जाने कैसी बातें कर रहा है, गुफरान ने कहा। तुम लोग मुझे बोलने का मौका दे रहे हो, इससे बात करो फुरकान, हमीदा बेगम ने कहा। इससे बाद में बात करूंगा, पहले मैं इस बात की तस्दीक कर दूं कि यह हमारे बाप का बेटा और हमारा भाई है, फुरकान के अल्फाज ने सबको चौंका दिया। तुम कैसे तस्दीक करते हो, हमीदा बेगम बोली। मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता, यह हमारा भाई है, हमारा खून है, यूं समझ लें खून बोल रहा है। खूब, हमीदा बेगम ने तंजिया कहा। हकीकत ना छुपाई जा सकती है ना झुटलाई जा सकती है अम्मी जान। सबसे पहली बात तो ये है कि दिल गवाही देता है इस बात की कि यह हमारा खून है, और दिल की गवाही बेमानी नहीं होती। अब इसके बाद अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं इनसे दूसरी बात करूं। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया था। फुरकान ने नर्म लहजे में कहा, देखो सुल्तान अली, हकाइक पर गौर करो और ठंडे दिल से कुछ बातों को सोचो। मेरा ख्याल है जो उलझने हमने चंद लम्हों में खुद ब खुद पाल ली हैं वो बआसानी दूर हो जाएंगी। तुम्हें भी शिकायत नहीं रहेगी, ये तल्ख फिजा भी ख़त्म हो जाएगी। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि ज़रा ठंडे दिल से सोचो और सवालों के जवाब सुन लो। तुमने जहर खानी की जो बात की है, मुमकिन है ऐसा कोई वाकया माजी में हुआ हो। तुम खुद इस बात का इतराफ़ कर चुके हो कि हम इस वक्त छोटे थे और हमें तमाम तफसीलात नहीं मालूम। जब हमें ये तफसीलात नहीं मालूम तो हम इस मसले पर मुजरिम भी करार नहीं पाते। बात रह गई ये कि बचपन में तुम्हें किसी ने जहर दिया था, तो इसकी तहकीक अब कर सकते हो, तुम्हें इसका हक हासिल है। हालांकि बात इतनी पुरानी हो गई है कि अब इसे कोई कानूनी हैसियत हासिल नहीं रही। हालात बदलते हैं, मिजाज बदलते हैं, वाकयात बदल जाते हैं, और जब सब कुछ बदल जाता है तो इंसानी मिजाज भी तब्दील हो जाता है। माजी के किसी वाक़े को जहन में रख कर तुमने नफरत भरी जहरीली गुफ्तगू की तो इससे कोई बेहतर फिजा कायम नहीं हो सकेगी। क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि हम लोग अच्छे इंसानों की तरह आपस में गुफ्तगू करें? मैंने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि तुम चौधरी रहमान अली के बेटे हमारे भाई हो, वो सौतेले ही सही, मगर बाप का खून तो हमारी रगों में भी दौड़ रहा है। मैं इस हैसियत से तुम्हें शनाख्त करता हूँ, क्या ये बेहतर नहीं होगा
कि हम माहौल की नफ़रत को बदल कर मोहब्बत के अंदाज में गुफ्तगू करें, समझें और समझाएं। मैं हाजिर हूँ मिस्टर फुरकान अली। तो सुनो दोस्त, तुम जहाँ भी रहते हो और जहाँ से भी आए हो, हमें तो नहीं मालूम। अबू ने हमें कभी ये नहीं बताया कि उन्होंने तुम्हें कहाँ रखा है। इस बात से कतन इनकार नहीं किया जाएगा कि दूसरी अम्मी और दूसरे भाई की हकीकत मुसल्लिम है। लातादाद लोग जानते हैं, लेकिन बाद के हालात से हमें बिल्कुल लाइम रखा गया। अबू ही अगर तुम्हारे बारे में कोई तस्करा करते या तफसीलात बताते तो हमें मालूम होता। हमें ना तुम्हारी रिहाइशगाह के बारे में मालूम था, ना जगह के बारे में। आखिर किसको बताते, कहाँ इत्तला भिजवाते इनकी मौत की? समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ समझ रहा हूँ, और हकीकत भी यही है कि ना मैं यहाँ आप लोगों से कोई बाज़पुर्स करने आया हूँ और ना ही जहन में कोई और तासुर है। मैं तो पापा की तरफ से परेशान होकर ना जाने किस तरह यहाँ पहुँचा हूँ। मेरे साथ जो वाकयात पेश आए हैं आप लोग नहीं जानते। मुझे नहीं मालूम था कि अब पापा इस दुनिया में नहीं है। मैं तो बस इनकी पुरसरार खामोशी से घबरा गया था। यहाँ आकर मुझे ये मालूम हुआ कि वह इस दुनिया में नहीं है। आप लोगों के पास पहुँचा तो आपने इस अंदाज़ में गुफ्तगू शुरू कर दी। किसी गलत फहमी का शिकार ना हो आप। जहाँ तक बात जहर खवानी के इस वाकया की है, तो आप लोग यकीन कीजिए कि पापा तो मुझे यहाँ इसलिए लाए थे कि यहाँ मुस्तकिल कयाम करूँ, आप लोगों के दरमियान रहूँ। लेकिन इस वक्त जो वाकया हुआ, इसके बिना पर पापा ने अपने तौर पर कोई फ़ैसला किया। मैं तो उस वक्त फ़ैसला करने की पोजीशन में ही नहीं था। समझ रहे हैं ना आप लोग? अच्छी तरह समझ रहे हैं सब कुछ। बहरहाल अबू का इंतकाल हो गया, बीमार रहते थे वो। हालत एक दिन अचानक ख़राब हो गई, डबल नमूनिया हुआ इन्हें। यह अंदाज़ा नहीं था कि यह कैफियत इनकी जान ले लेगी। चनाचा हमें भी इनके साए से अचानक ही महरूम होना पड़ा था। पूरी बस्ती इस बात की गवाह है कि हम अबू से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन हाथ से रोकना किसी के बस की बात नहीं होती। इन्हें जाना था, इस दुनिया से चले गए। इतनी सी बात थी जनाब, जो मुझे बता दी जाती तो कोई तलखी ना पैदा होती। बहरहाल आपका शुक्रिया, आपने मुझे इसके बारे में इत्तला दे दी। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं चाहता, इजाज़त दीजिए, मैंने उठते हुए कहा। और फुरकान चौंक पड़ा, क्या मतलब? चलता हूँ, मैं अटैची की जानिब चल पड़ा। अरे अरे बात सुनो, देखो जल्दबाजी ना करो। कहाँ जाओगे? तुम्हारा यूँ जाना ठीक नहीं है। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि दुनिया किस कदर जहरीली जगह है। घर से बाहर जाओगे बेशुमार अफराद तुम्हें मिलेंगे, तरह तरह की कहानियाँ सुनाकर तुम्हारा जहन हमारी तरफ से ख़राब करेंगे, और इसके बाद हमारे दरमियान एक ऐसी फ़िज़ा पैदा हो जाएगी जो बहरहाल मुनासिब नहीं होगी। ये तुम्हारा भी घर है, अम्मी के बाद इस घर में सबसे बड़ा मैं हूँ। अम्मी घरेलू खातून हैं, फैसले करने का हक मुझे है, और कोई भी मेरे फैसले को मुस्तरद नहीं कर सकता। मेरी ख्वाहिश भी है, और अगर बड़ा भाई समझो तो हुक्म भी है कि कहीं नहीं जाओ, यहीं हमारे साथ कयाम करो। तुम्हें यहाँ पूरे हकूक हासिल हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नहीं, प्लीज़ नहीं, ऐसी बात मत करो। कोई दुश्मन नहीं है तुम्हारा यहाँ। इसके बावजूद अगर अपने आप को दुश्मनों के दरमियान समझते हो तो खाने पीने के लिए अपने तौर पर फैसले कर लो। हम तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक ही मौका देना पसंद करेंगे। और फिर ऐसा हो नहीं सकता दोस्त, किसी इंसान की जान लेना इस कदर आसान काम तो नहीं है। माजी में जो कुछ हुआ और जैसे हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन तुम खुद समझदार आदमी हो, ऐसा काम ना करो कि हमारी रुसवाई हो। तुम्हें यहाँ हर तरह का तहफ़ हासिल होगा, जल्दी में कोई भी फैसला किया जाए वो नुकसानदेह होता है। मेरा ख्याल है तुम मेरी बात समझ गए होगे, फुरकान ने गंभीर लहजे में कहा। मैंने बाकी तमाम लोगों के चेहरे देखे और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे फुरकान की बात का एक वज़न है। इस वक्त सिर्फ उज़्मा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैली हुई थी, हालांकि मुस्कुराहट होंठों तक नहीं आई थी। आंखें और चेहरे के उजलात ये बता रहे थे कि वो ज़हनी तौर पर इन लोगों से इत्तफाक नहीं रखती। फिर फुरकान ने कहा, अम्मी जान कुछ ऐसी अजीब बातें हैं जो कम अज़ कम हम लोगों को नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आप इतनी मेहरबान और रहम दिल खातून हैं कि आपने हमें हमेशा इज़्ज़त का एक मुकाम दिया है, इसलिए अगर कभी ऐसे अल्फाज कह दिए जाएं तो आप बराहे करम नाराज़ ना होना। हमीदा बेगम ने निगाहें उठाकर फुरकान को देखा तो फुरकान बोला, औरत के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात अब मुझे हासिल हो गई हैं अम्मी जान। मैं नहीं जानता कि अबू ने किन हालात के तहत और किस आलम में दूसरी शादी की, लेकिन बरेसगीर की औरत सौतन को सबसे ज़्यादा जहरीली नागन समझती है। दूसरी अम्मी आपके बाद आई थी, इसलिए आपके दिल का हाल समझता हूँ। वो बात गुजर गई, वो वक्त भी गुजर गया, और इस वक्त हमारे बाप का बेटा, हमारा भाई, हमारा खून हमारे सामने है। अगर माजी को नज़रअंदाज करके सिर्फ एक इंसान की हैसियत से इसे देखा जाए तो इससे मोहब्बत महसूस होती है। आप बराहे करम अपने दिल से इसके लिए कोई भी इख्तिलाफ़ है तो निकाल दीजिए। मुझे क्या इख्तिलाफ़ हो सकता है? तुम बकौल तुम्हारे मेरे बाद इस घर के हुक्मरान हो,
ये मेरे बाद का जुमला इस गुफ्तगू से निकाल दो, हुक्मरान तो तुम हो, हमीदा बेगम ने कहा और इसके बाद वो उठकर तेज़ कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। फुरकान मुस्कुराने लगा था, इसने हंसते हुए कहा, इस मुल्क की औरत को तब्दील करना अभी शायद 50 साल तक मुमकिन नहीं है। अम्मी दिल की बुरी खातून नहीं है, शायद ही ज़िंदगी में उन्होंने किसी से नफरत की हो। बहरहाल देखो दोस्त, भाई हो तुम हमारे, हम नई नस्ल के लोग हैं, पुराने लोगों की मासूमियत को नज़रअंदाज करना होगा। इनके दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी हो, लेकिन हम तुम्हें चाहते हैं। दो थे, अब तीन हो गए, तुम हम पर एतबार करो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। इसकी ज़िम्मेदारी तुम जिस तरह चाहो हम पर डाल सकते हो। तहरीर ले लो हमसे, किसी को अपना जामिन मुकरर कर दो। कहते हुए बड़ी शर्म आती है, हम जरायम पेशा लोग नहीं हैं, एक बाप के बेटे हैं। इस हवाले से ही हम पर थोड़ा एतबार कर लो, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। उज़्मा, जिस तरह भी बन पड़े सुल्तान को खाना खिलाओ, इन्हें एतमाद दिलाओ, ये ज़रूरी है, हम इन्हें अग्यार के हाथों में नहीं पड़ने देंगे। सुल्तान, इसमें से जो चीज़ भी तुम्हें पसंद हो पहले मैं खा लेती हूँ, इसके बाद तुम इसे खा लो। भला ये कैसे मुमकिन है कि यहाँ अपने घर की छत के नीचे भूखे रहो? ख़वातीन, मैं आप लोगों का दिल से एहतराम करता हूँ, लेकिन यहाँ कुछ खा लेने का मतलब ये है कि फिर मैंने हर किस्म का ख़तरा कबूल कर लिया। आप लोग इस सिलसिले में बिल्कुल तरद्दुद ना करें, वैसे भी मैं भूखा नहीं हूँ, थोड़ा सा वक्त यहाँ गुजार लेने दीजिए, मुझे मुस्तकबिल का फ़ैसला करने में आसानी होगी। आप लोग मेरी ज़हनी कैफियत को अगर इंसानी नुक्ता नज़र से महसूस करें तो मुझे गलत नहीं पाएंगे। जीने की ख्वाहिश हर दिल में होती है, मैं तो एक ऐसे ज़हनी हादसे से दोचार हुआ हूँ जिसने मुझे बिल्कुल अपसेट कर दिया है, मुझे यकीन है आप लोग मुझे माफ़ कर देंगे। गोया कुछ नहीं खाओगे, ठीक है, मजबूर नहीं करेंगे हम, लेकिन यहाँ क़याम तो करो, अब जवान आदमी हो, हम जैसे ख़तरनाक बल्कि मामूली से ख़तरनाक लोगों से मुकाबला भी कर सकते हो। माशाल्लाह जिस्मानी तौर पर हमसे बहुत बरतर हो, जुर्म के इस दुनिया में थोड़ा सा वक्त गुजार लो, हो सकता है तुम्हें इस बात का यकीन आ जाए कि हम तुम्हारी ज़िंदगी के लिए बिल्कुल नुकसानदेह नहीं होंगे। मुझे फुरकान के अल्फाज से शर्मिंदगी होने लगी, मैंने कहा, ठीक है जनाब, आप एक रात मुझे यहाँ क़याम की इजाज़त दे दीजिए, इसके बाद कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगा, और इत्मीनान रखिए किसी के बहकाने में नहीं आऊँगा। मैं तो यहाँ चिड़िया के एक बच्चे को भी नहीं जानता, मुझे कौन बहकाएगा, आप मुतमईन रहें। ठीक है उज़्मा, किसी कमरे का बंदोबस्त करो। भाई क्या अजीब फिज़ा पैदा हो गई है, तुम देख रही हो, उन्होंने अभी तक हमें भाई कहकर नहीं पुकारा। खैर आने वाला वक्त ये भी करा देगा, कोई बात नहीं है। फुरकान कुछ समझदार आदमी मालूम होता था, जबकि गुफरान के चेहरे पर कबीदगी थी। फुरकान की बेगम गजाला खातून भी कुछ बरगश्ता नज़र आ रही थी, जबकि गुफरान की बीवी उज़्मा खासी मुअत्तल खातून नज़र आ रही थी। मुझे भी हालात की संजीदगी से तजिया करना था, चनाचा जो बेडरूम उन्होंने मेरे लिए मुंतखब किया मैं इसमें दाखिल हो गया। मेरा अटैची भी वहीं पहुंचा दिया गया था, उज़्मा खातून ने इस सिलसिले में पेश रहकर तमाम कार्रवाई की थी, खासी मेहरबान नज़र आ रही थी। मुझे मेरे कमरे में छोड़ते हुए उन्होंने कहा, मैं इंतहाई अफसुदा रहूँगी सुल्तान कि तुमने कुछ खाया पिया नहीं, मुझे मेरी बेतकल्लुफ़ी के लिए माफ़ करना, असल में मेरा तो कोई देवर ही नहीं था। गुफरान फुरकान भाई से छोटे हैं, मेरा कोई छोटा नहीं था यहाँ, ना जाने क्यों मेरा दिल चाह रहा है कि तुम्हें अपने छोटे भाई का दर्जा दूँ, लेकिन बहरहाल तुम्हारी बातें भी हकीकत पर मबनी हैं। वक्त बेशक लगेगा एतबार करने में, इत्मीनान कर लो, मैंने जैसा कि तुमसे कहा कि मैं दिल में तुम्हें छोटे भाई का दर्जा देती हूँ, एक बहन भाई की मुहाफिज भी होती है। बहरहाल इस वक्त ये सारी बातें खूबसूरत तहरीर की मानंद हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि ये तहरीर हकीकत बन जाएगी। खुदा हाफिज, कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो और अगली खिड़की भी, ओके? वो कमरे से बाहर निकल गई। बहरहाल ये दो अफराद ज़रा कुछ गनीमत नज़र आ रहे थे, लेकिन मुझे अभी किसी पर एतमाद नहीं हो रहा था। पप्पा इस दुनिया से चले गए थे और दुश्मनों का एक रिवर छोड़ गए थे, आखिर वो कौन था जिसने बचपन में मुझे जहर दिया था? बात तो हकीकत थी और मेरे जहन से कभी महव नहीं हो सकती थी। हमीदा खातून इस घर में मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी। अब ये अलग बात है कि मेरी कहानी इनकी निगाह में ख़त्म हो गई थी, अब इस कहानी में नए सिरे से ज़िंदगी नमोदार हुई थी, तो इनके रद्द अमल का भी अंदाज़ा लगाना था। फिर ना जाने क्यों मेरी आंखों की कोरें भीग गईं, पप्पा याद आ गए थे। ये कैसे लोग होते हैं जो ज़िंदगियों को वजूद में लाते हैं और फिर इनका कोई इंतज़ाम करे बगैर इन्हें ऐसी उलझनों में छोड़ जाते हैं कि इनका वजूद ही नासूर बन जाए? क्या होगा मेरा मुस्तकबिल में, क्या करूँगा मैं? कोई एक बात जो समझ में आ रही हो।